Hello everyone. So till now, from our second volume, we have finished two lessons, that is chapter 9 and chapter 10, that is ray optics and wave optics. Okay, ray optics and wave optics we have finished. So now we will go for the next lesson, which is known as dual nature of radiation and matter. And your new teacher, Mr. Ashish Mishra, he has started electric potential and capacitance. Okay, so one chapter from first volume and another chapter from the second volume, we will run simultaneously. And there is a good news for you, that is the maximum or the huge chapters jo hai second volume ka, wo hai ray optics aur wave optics tha sabse bada chapter, aur dono chapter fortunately hum logo ka khatam ho chuka hai. To maine to khatam kar diya, अभी तुम लोगों का खत्म करना काम है. ठीक है, फ्रॉम सेकेंड चैप्टर वन स्मॉल टॉपिक दैट इज नोन एज योर रिजॉल्विंग पावर. फ्रॉम रिजॉल्विंग पावर देयर इज नथिंग टू डिस्कस, ओनली 10 मिनट्स टू डिस्कस. ऑनलाइन पे इतना समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो व्हेन यू गाइज विल कम, देन विद इन ए सिंगल क्लास वी विल बी एबल टू फिनिश द रिजॉल्विंग पावर. ये एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा टॉपिक है, मामूली सा नहीं है. दिस वन इज एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू दैट एक्सटेंट इन योर सिलेबस. तो हम लोग भी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे फ्रॉम रिजॉल्विंग पावर. ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट. सो अभी हम लोग को वी गॉट टू थिंग्स. वन इज लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल. सो इन रे ऑप्टिक्स व्हाट वी गॉट, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एंड इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज रे ऑप्टिक्स. इन वे ऑप्टिक्स व्हाट वी गॉट, दैट लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, लाइट इज ए डिस्टर्बेंस ओनली एंड इट propagates to in the form of a wave. You know that the disturbance propagates in the form of a wave, so light it also propagates in the form of a wave. To ye confusion hai scientists ke liye ki whether light is a particle or whether light is a wave. Theek hai, to bahut experiments karne ke baad ye malum chala hai ki light is kya hai. Abhi tak kisi ko malum nahi hai ki whether light is a wave or whether light is a particle. To ek French scientist tha, uska naam tum logo ne suna hai, de Broglie. सो डी ब्रॉयली ने क्या बोला कि लाइट इज नाइदर पार्टिकल नॉर ए वेव. तो उसने दोनों को मिलाया, उसने दोनों को कंक्लूड कैसे किया, देखो, ही हैज सिंपली मर्ज द टू आइडिया एंड ही सेड दैट लाइट इज बेसिकली पार्टिकल. उसने बोला कि लाइट पार्टिकल है एंड इट प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है, तो इसीलिए उसको नोबेल अवार्ड मिल गया. लेकिन अभी तक ये जो दुविधा है, ये जो डायलेमा सिचुएशन है, ये अभी तक मतलब एक रिसर्च का टॉपिक है कि वेदर लाइट इज ए पार्टिकल और वेदर लाइट इज ए डिस्टर्बेंस. तो इसीलिए आया हम लोगों के पास ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ठीक है, तो मैटर मींस व्हाट, मैटर मींस पार्टिकल. तो इट हैज सम मास. तो इट मींस इफ लाइट इज ए पार्टिकल, इफ लाइट इज ए पार्टिकल, ठीक है, तो एक रूम के अंदर में अगर बहुत लाइट्स ऑन कर दूंगा तो ये रूम का तो मास बढ़ जाना चाहिए. ठीक है, तो मैटर से आता है लाइट इज पार्टिकल एंड रेडिएशन से आता है कि लाइट इज नथिंग बट ए डिस्टर्बेंस, दैट इज वेव. सो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ठीक है, ये जो ड्यूअल नेचर है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस वन. ओके, एंड दिस इज अंडर द मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ही उसके बारे में डिस्कस करता है. ठीक है, तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स आवर न्यू चैप्टर, दैट इज नोन एज योर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. थोड़ा थोड़ा आइडिया शायद तुम लोगों को आ ही चुका है कि दिस इज नथिंग बट द दिस वन. क्या है, दिस इज नथिंग बट पार्टिकल एंड वेव थ्योरी का कॉम्पोजिशन, कॉम्बो. ठीक है, चलो इस कॉम्बो को हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं. ये चैप्टर बहुत ही आसान है और ये चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, एंड दिस चैप्टर इज एसेंशियल फॉर योर एंट्रेंस ऑल्सो. सो गो थ्रू इट एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. इसमें एक इक्वेशन है इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन. तो रिलेटिविटी वाला नहीं है, रिलेटिविटी वाला क्या था, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है. एक दूसरा इक्वेशन है जिस इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन साहब को नोबेल अवार्ड मिला था. रिमेंबर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ना, उसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड नहीं मिला था. आइंस्टाइन गॉट नोबेल अवार्ड बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू अपियर इन एंट्रेंस, फॉर देम वन मोर इफेक्ट यू कैन स्टडी, दैट इज योर एक्सरे. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरे, फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम एटॉम यू कैन स्टडी, नॉट इन योर सिलेबस. तो यू कैन स्टडी इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एक्सरे,
और इफ़ यू नो सम आइडिया अबाउट एक्सरे देन डायरेक्टली यू कैन इन्फॉर्म मी, लेकिन मैं क्लास पे एक्सरे के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे, सो आवर टॉपिक इज ड्यूअल नेचर, आवर टॉपिक इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो नेक्स्ट क्लास से मैं खाली ड्यूअल नेचर ही कहूँगा, हाँ। सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो अकॉर्डिंग टू मैटर थ्योरी दैट द लाइट इज पार्टिकल एंड अकॉर्डिंग टू रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स एमिटेड बाय सम वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब एमिटेड बाय सम डिस्टर्बेंस, ओके। सो दिस इज फॉर वेव, ओके। सो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सो वी विल बिगिन विद दैट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। सो लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ सम पार्टिकल्स एंड इट्स पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल एंड इट्स पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। अगर मेरा पास इस रूम के अंदर में एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इस रूम के अंदर में क्या है, इस रूम के अंदर में लाइट जो है उसका पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। लाइट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटोन, ठीक है। अगर इस रूम के अंदर में ज़्यादा फोटोन्स हो गया ना तो इस रूम के अंदर में एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट फोटोन्स के बारे में। तो लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ सम पैकेट्स ऑफ और बंडल्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर नोन एज फोटोन, इच पार्टिकल इज नोन एज फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, दैट यू गॉट इन केमिस्ट्री। ये चैप्टर का तो 50% तुम लोगों को ऑलरेडी केमिस्ट्री पे मिल चुका है एचएस फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो आओ हम लोग लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आई विल टेल यू द प्रॉपर्टीज नाउ, डन। सो अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज फोटॉन्स, ओके। ये थोड़ा नोट्स टाइप का है तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो थ्रू दिस वन द कॉपी। एंड यू ऑलरेडी नो अनदर थिंग दैट लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये तो तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस होगा। तो लाइट तो वेव भी है ना, लाइट सेटिस्फाइज द वेव थ्योरी ऑल्सो। तो वट टाइप ऑफ वेव, वेव आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑल दिस वेव्स आर देयर। तो लाइट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मीन्स लाइट, एंड लाइट इट इज ए व्हाट, इट इज ए नॉट ए मैकेनिकल वेव, दिस इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। सो इट रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, उसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन करने के लिए। इट कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम ऑल्सो एंड लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी अबाउट नाउ इज फोटॉन्स। हम लोग फोटॉन्स से शुरू करेंगे। सो इन फोटॉन्स वी विल राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब लाइट, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। हेडफोन लगा लो सब लोग बढ़िया से। इस चैप्टर में मैं जो कहूंगा वहां से जब मैं बोलूंगा कि ये नोट्स है तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो तुम लोगों को ये पूरा सुन के लिखना है वहां से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स, इफ आई डू नॉट प्रोवाइड यू द नोट्स इन दिस वे ना, तो ये चैप्टर 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेवल्स रेडिएट्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। इनिशियल स्टार्ट किया है हम लोगों ने, डेट इज वाई आई एम राइटिंग, ओके। बाद में इतना मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, ये अब आएगा इसका प्रॉपर्टीज। देखो फोटॉन्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंक कम है।
So what is the energy associated with each photon? So the energy associated with each photon is given by, you already know, E equal to h nu. So what are the properties of photon? देखते हैं हम लोग. तो according to the यही first property है कि light propagates in the form of small packets of energy called photon. फिर से हम लोग लिखते हैं कि according to वो जो quantum theory है, according to quantum theory of light, according to quantum theory of light, radiation matlab light, so radiation from, this is wave, radiation from any given source always travels in the form of what? In the form of photons. Okay, and what is the energy associated with each photon? Energy associated with each photon, is given by E equal to h nu. This is nu, huh? Nu means frequency. From here you can write nu is equal to what? C divided by lambda. E equal to hc by lambda. Okay, so what is nu? Nu is the frequency of light. What is c? C is the velocity of light. C is the velocity of light in air. And what is h? You know h is Planck's constant. Okay, h is Planck's constant. And what is the value of Planck's constant? It is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second. Okay, so write down a homework. Homework is, what is the dimension of, h? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगा. What is the dimension of h? Find out करना. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दिस वन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन कितना होता है. वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट. So velocity of each photon, is 3 into 10 to the power 8, you already know, is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Done. So number 4 खाली में तुम लोगों को प्रॉपर्टी आई विल से, बट डू नॉट गो थ्रू इट. इतना ही इंपॉर्टेंस नहीं है हम लोगों के लिए. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैट आई विल से कि इस पर इतना ज्यादा फोकस मत करो. सो यू डू वन थिंग, यू नो वन थिंग, कि विथ चेंज इन स्पीड ना, द मास ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग. ओके, इट मीन्स एट रेस्ट एक पार्टिकल का मास अलग होता है, और एट व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन उसका मास कुछ अलग होता है. ठीक है, दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जब यू विल डू, यू विल गो फॉर हायर स्टडीज, देन यू विल बी एबल टू नो. आई विल सिंपली मेंशन यू द प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी क्या है, देखो, द मास ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ वेलोसिटी. मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मतलब यहां पे फोटोन. सो मास ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू द according to the
रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, कौन सा रिलेशन? एम इक्वल टू एम नॉट, ओके, एम इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर वन माइनस ही स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. एम इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर वन माइनस ही स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो व्हाट इज एम नॉट? एम नॉट इज नोन एज रेस्ट मास. एम नॉट इज नोन एज रेस्ट मास ऑफ फोटोन. डन. सो यू कैन नॉट अचीव ए वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. क्यों? क्योंकि अगर यू कैन अचीव ए वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट देन योर मास विल बी इनफाइनाइट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ओके, दैट इज व्हाई एनी ऑब्जेक्ट व्हिच हैज ए वेलोसिटी, दैट इज व्हाई एनी ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी कितना होता है? ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ दिस वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके, सो क्या है? वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन एज द फोटोन मूव्स नियरली विद द स्पीड ऑफ लाइट वी इक्वल टू सी, डज एम नॉट इज इक्वल टू जीरो. वी इक्वल टू सी होने से एम नॉट का वैल्यू इट विल बी जीरो. हाँ, सो अब देखो वन माइनस रूट ओवर, ये थोड़ा सा चेंज करो इसको. हाँ, वन माइनस रूट ओवर, हाँ ठीक है ठीक है, वन माइनस रूट ओवर ठीक है. एक मिनट, ठीक है. अब देखो अगर पार्टिकल ये फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है? इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ना, तो इट इज जीरो हो जाएगा. तो व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू जीरो. ओके, मतलब जब फोटोन जब इस पे होता है, किस पे? मतलब फोटोन जब रेस्ट कंडीशन पे होता है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज सॉरी मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ओके, सो दिस इज अनदर पॉइंट. अच्छा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन? सो मोमेंटम यू ऑलरेडी नो, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. यहां पे कुछ अलग होगा. सो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय एच बाय लैम्डा. सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, इज मोमेंटम. इसका मैं डिराइवेशन बाद में दूंगा. दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, सो व्हाट इज मोमेंटम? दैट मोमेंटम आई वी विल पी इक्वल टू, वी विल गो विथ दिस रिलेशन, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन? सी. सो फ्रॉम हियर वी विल राइट एच बाय लैम्डा. ये आया कहाँ से वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एच बाय लैम्डा. ठीक है, यू कैन डू इट हियर ऑल्सो. कहाँ से आया? ये देखो, ई इक्वल टू वी गॉट एम सी स्क्वायर. ओके, वी गॉट ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड वी ऑल्सो गॉट ई इक्वल टू एच न्यू. फ्रॉम हियर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. तो ये और ये कैंसिल, तो एम इंटू सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा. दिस इज नथिंग बट मोमेंटम ना, सो मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सो दिस इज ऑल आर प्रॉपर्टीज, द नोट. अच्छा, व्हाट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी? देखो, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय. तो फोटोन जो होता है, फोटोन्स आर नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, सो यू कैनॉट डिफ्लेक्ट ए फोटोन विद द हेल्प ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. सो वट वी विल राइट दैट फोटोन्स आर नंबर सिक्स, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉमा सो दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड. So they cannot be deflected either by electric field. So they cannot be deflected either by electric field or by magnetic field.
ओके, बिकॉज लाइट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये होने से तो हम लोगों का कुछ गड़बड़ ही हो जाता, ठीक है। तो और कोई पॉइंट है क्या? देखो नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन कॉन्स्टेंट। मैंने वे ऑप्टिक्स में तुम लोगों को एक चीज बोला था कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन व्हाट हैपेंस, द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑल्सो चेंजेस, बट वन थिंग रिमेन्स द सेम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, इफ फ्रीक्वेंसी वुड हैव चेंज्ड, देन अगर सपोज लाइट इज एंटरिंग सपोज रेड कलर ऑफ लाइट, देन इन सपोज ब्लू कलर ऑफ लाइट, देन इन द आउटपुट यू कुड हैव गॉट अनदर कलर ऑफ लाइट। तो ऐसा तो नहीं है, इफ द लाइट इज एंटरिंग सपोज इन अ डेंसर मीडियम सपोज रेड कलर ऑफ लाइट, देन यू विल सी रेड कलर इटसेल्फ विद इन द ग्लास स्लैब ऑल्सो। इट मीन्स द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाई द frequency only, not by the wavelength and not by the velocity, okay? So as I have already mentioned ki when a light travels from one medium to another medium then wavelength of the light changes, so what we will say that when photons travels from one medium to another medium then the speed of the photon changes and also the wavelength of the photon, but the frequency of the photon does not change. Remember ye jo equation hai na, nu equal to c by lambda, इस पे ये फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका कभी चेंज नहीं होता है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली वो जो रेशियो होता है ना, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वो रेशियो एनी टाइम फिक्स रहता है, उसको याद रखना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, दो द पॉइंट्स आर वेरी स्मॉल बट इट मैटर्स अ लॉट। यही सब तो सवाल आता है नीट में, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1-1 मार्क का क्या जो ऑप्शनल होता है एमसीक्यू, उस पर बस वही सेम चीज घुमा के फिरा के देते हैं और बाद में हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बस यू ट्राई टू क्लियर योर बेसिक्स, ओके। अगर बेसिक्स क्लियर है तो एंट्रेंस कोई इतना बड़ा बात नहीं है। अच्छा, तो नंबर 7 पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि व्हेन फोटन्स एंटर from one medium, when photons enter from one medium to another medium, comma, velocity changes, किसका velocity of photons change, और साथ में क्या change होगा along with the wavelength, उसका wavelength भी change होता है, ठीक है। But frequency of the light or frequency of photon does not change. तो but frequency of photons remain the same. फोटोन का चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सो नंबर 8 और एक पॉइंट है, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहां पे हम लोग एनर्जी का जो यूनिट कॉमनली यूज होते हैं जूल, यहां पे हम लोग जूल्स इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन is usually expressed, energy of photon is usually expressed in electron volt, ये याद रखना। ये separate unit का separate इसका किया उसका unit होता है energy का, and the unit is nothing but electron volt. So what is one electron volt? देखो electron volt जो होता है वो आया कहाँ से, मैंने शायद एक क्लास में बोला था कि हमको क्या मिला कि V इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी Q इन टू वी, इफ द चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन सो W इज इक्वल टू कितना होगा, E इन टू वी, यही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सो कूलॉम्ब इनटू वॉल इज नथिंग बट जूल।
So you can say that 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. ये relation याद रखो. बाकी तुम लोगों को याद है या नहीं है, that is a different thing. But you simply remember that 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So if you want to convert joule to electron volt, तो क्या होगा? 1 joule will be 1 electron volt divided by this one. Okay? So these are the important properties about photons. Okay? तो याद रखना कुछ properties तुम लोगों को समझ में आया, एक दो properties है तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, तब भी इसको थोड़ा सा याद रख लेना. ये सब तो समझ में आ गया, वो M not वाला इतना समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया. आइंस्टाइन भाई साहब ने दिया था 4 पेज का वो डेरिवेशन है, उसको करके क्या फायदा है? टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स है. ऐसे हम लोगों का ऊपर में लोड बहुत ज्यादा है तो हम लोग वो नहीं करेंगे. ठीक है, कर दिया तो इफ यू गाइज थिंक कि ये एग्जाम में भी आ सकता है तो यू गाइज विल गो फॉर रिमेंबरिंग इट. एग्जाम में नहीं आएगा फिर तुम लोग मुझे ही गाली दोगे कि सर ने इतना लंबा डेरिवेशन दिया एग्जाम में नहीं आया. ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने तो तुम लोगों को बोला नहीं, तो मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि वो खाली एक बार याद कर लेना. ठीक है, तो मैंने बोल दिया. हाँ, सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट फोटोन नाउ वी विल एंटर इनटू आवर मेन कोर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हाउ वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. सो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, सो विच we will discuss in our next class. That what do you mean by this the electron emission from a metal. Suppose this one is a metal surface, मान लो ये एक metal का surface है, यहाँ से electron को बाहर करना है तो कैसे हम लोग बाहर करेंगे, कितना minimum energy चाहिए, this we will discuss in our next class. Okay, thank you.